हेलो एवरीवन, एडी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और ये वीडियो देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी उन विद्यार्थियों को जिन्होंने रियली में एडी को, मुझे, पूरी टीम को फिर से प्राउड फील कराया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी इस बार सफल नहीं हुए, हिम्मत मत हारिए। जीवन में हार जीत लगी रहती है, एक हिस्सा है हार जीत। इस बार नहीं सही तो इस बार जरूर सफलता मिलेगी। ये 2020 का एग्जाम उस दौरान में ये एग्जाम हुआ था जब मैं और शैलेंद्र सर, हम दोनों ही बहुत दिक्कतों से जूझ रहे थे, दोनों ही दिक्कत को झेल रहे थे। शैलेंद्र सर की उस समय सर्जरी हुई थी और मेरा राइट हैंड, जो आप अभी तक भी ये निशान देखते होंगे, जो लोग क्लास में थे उनको पता है मेरा राइट हैंड पूरी तरीके से जला हुआ था, मैं लिख नहीं पा रहा था। और कुछ बच्चों को याद होगा वो पल कि लिखने में जब दिक्कत थी तो मैं जख्म पर ही पूरी ऐसे पट्टे लपेट कर आया था गुस्से में और पेन किलर खा के कि क्लास तो लेनी है। लेकिन मैं रियली में बता दूं कि बोलने के लिए शब्द नहीं है। आपने यार पूरे दुख दर्द को भुला दिया आपने, और खुशी से आज जो बोलते हैं ना कि खुशी के आंसू, तो खुशी से आज ऐसा हो रहा है कि जब भी इस रिजल्ट को देख रहा हूं बार बार तो अपने आप से आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मेरे इन विद्यार्थियों ने बहुत कठिन परिश्रम किया है और मुश्किलों की पूरी वाट लगा दी इन लोगों ने। इन्होंने भी मुश्किल डिफिकल्टी को वहीं देखा है और झेला है, लेकिन ये लोग हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं। अलग अलग तरीके से इन लोगों को डिमोटिवेट किया गया, कहा गया पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये था। और मैंने बार बार ये कहा है कि देखिए, सेलेक्ट होने के लिए 100 चीजें करनी जरूरी नहीं है। सेलेक्ट होने के लिए आपको वो चीजें करनी जरूरी है, जितने वैकेंसी हैं उतने लोगों में अपना स्थान बनाना है, बस 100 में से 100 चीजें करनी जरूरी नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि कल एक मैंने जब YouTube पर मैंने कहा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो एक दो महान हस्ती ऐसे भी मुझे मिली। मैंने कहा बताइए जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो एक दो मुझे ऐसा मैसेज मिला कि हमने तो पैसे देकर कोर्स खरीदा था, तुम्हारी वजह से थोड़ा ही हुआ, हमने तो पैसे दिए थे। तो ऐसी विचारधारा से तो हम हाथ जोड़ते हैं। आज उन लोगों को मैं जवाब देता हूं जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं। ये वो बच्चे हैं, वो भी सेलेक्ट होने वाले हैं, ये सिलेक्शन के स्टूडेंट है, ईएडी के पास में सिलेक्शन वाले बच्चों की कमी नहीं है। आप स्टेटस ये चल रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, ये सब वो स्टेटस है जो मेरे फोन में सेव है। देखो आप देख पा रहे होंगे whatsapp.com, ये मेरा सीधा मेरा स्टेटस है आज का। ये तो इसमें एक भी ऐसा बच्चा है ही नहीं जो मेरे साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ। ये वो है जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी क्राउड है जो YouTube के माध्यम से हैं, तो वो बच्चे भी अपना बता भी रहे हैं और भेज भी रहे हैं। अभी तक ईएडी ने 2020 के इसमें, देखिए टीचर को चाहिए क्या, हमारी टीम को चाहिए क्या, आप लोगों से धन दौलत की हम लोगों को आवश्यकता नहीं। और मुझे क्या, वो किसी भी टीचर की कोई इच्छा नहीं होती भाई, वो तो अपना एक विजन और मिशन है, सब चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जरूरी है, वो हो जाता है, चलो ठीक है। अल्टीमेटली टीचर यहां आकर बस ये सोचता है कि उसके बच्चे सफलता कैसे प्राप्त करें। और अल्टीमेटली मैं
मैं घूम फिर के यही कहूंगा आपको कि 95% इसमें, अगर 95% किसी का योगदान है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का योगदान है। इस सफलता में आपकी हमारा मात्र 5% योगदान है। किस तरह से मैं बता दूं, हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, हमने डायरेक्शन बहुत लोगों को दी, लेकिन उस डायरेक्शन को आप लोगों ने पूरा पॉजिटिवली लिया और उस डायरेक्शन पे काम किया, पढ़ाई आपने की, रात रात भर पढ़े आप, नींद आती थी तब भी पढ़ाई करते थे, मुश्किलें आती थी तब भी पढ़ाई करते थे, तो इन सब चीजों को झेलने के बाद, सफलता की भट्टी में तपने के बाद में, तब जाकर, या कठिन परिश्रम की भट्टी में तपने के बाद, तब जाकर आज आपको सफलता प्राप्त हुई है। तो मेहनत सब आप ही की है, बस हम तो मार्गदर्शक है। हम लोग विद्यार्थी का सफलता का क्रेडिट कभी भी हम नहीं कहते कि 100%, हम बोलते हैं हमेशा कि हमारा तो आपके भाई सफलता में मात्र 5% है। कुछ इस लायक हमें समझते हैं, मान सम्मान देते हैं कि हाँ जी उस 5% के लिए हमें हकदार समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं यही अपना कहना चाहूंगा कि ये सब अपना स्लाइड चल रही है, अपना चलती रहेगी और अभी तक मोर देन 57 एग्जैक्ट फिगर 57 का जो डाटा है वो अभी तक हम लोगों के पास में है और हमारे साथ बच्चे ने शेयर किया है। बहुत जल्दी से ये नंबर बढ़ेंगे और आप लोगों को मैं फिर से तहे दिल से, आत्मा की गहराई से प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग ऐसे ही जीवन में बहुत तरक्की करते रहें। और जो लोग इस बार चूक गए, इस बार वो और ज़्यादा कठिन परिश्रम करें और सफलता प्राप्त करें। कहीं ना कहीं वो टैगलाइन सही होती हुई दिख रही है, UPPCL मतलब EAD। और इस बार और प्रयास रहेगा, पिछली बार भी PLC स्काडा जैसे चीजों को किसी ने नहीं बताया, हमने पढ़ाया करो। मैंने बच्चों को, जो बच्चे दूर दराज से ऑनलाइन क्लास में, मैंने कहा बेटा आ जाओ हम यहां देहरादून में रिवाइज करेंगे, यहां भी बच्चे आए, कुछ करके दिखाया। 2018 के बैच में राकेश बहुत बढ़िया, शानदार, पदम जी बहुत बढ़िया, ऑलरेडी ब्रिज किशोर तो ऑलरेडी है, पिछली बार ही सिलेक्ट हो गया था। आप लोगों ने भी बेटा प्राउड फील कराया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। कि एक टीचर के लिए इससे बड़ा कोई मोमेंट हो ही नहीं सकता, ये वो पल है जो मैं फील कर रहा हूं, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि टीचर, और ये एक ऐसा रिश्ता है। देखो आज सफलता आप लोगों ने प्राप्त की है, तभी तो मैं कहता हूं माता पिता के बाद अगर अनकंडीशनल कोई रिलेशन है तो वो अनकंडीशनल रिलेशन है टीचर का। आप लोगों को नौकरी मिली, सफलता आप लोगों की, सैलरी आपकी आएगी, जीवन आपका सुधरेगा। हमारे लिए सिर्फ खुशी क्या थी कि बेटा हमने जिसे कुछ माना, कुछ बताया, रास्ता दिखाया, चलो यार वो रास्ते पे चल के आज कुछ अपने कदमों पर, अपने पैरों पर कुछ खड़ा है और आने वाली जनरेशन को और अच्छे से बेस्ट वे में कुछ करके दिखाएगा। बहुत जल्दी ही हम इन सब बच्चों को बच्चों के साथ में, हाँ मैं एक नाम लेना भूल गया, वो मेरा शेर शायद टॉपर होगा, चेतन है जी। चेतन बाबू तुम्हारा नाम बाद में लिया, इसमें नाराज मत हो जाना, तेरे साथ में सबसे पहले मुझे सेशन करना है। हाँ, और बढ़िया चीज आपको एक बात बताता हूं कि चेतन मतलब जब हमने घर बनाया था तो चेतन आया, और चेतन और एक सैयद का शायद नहीं हुआ, अंकित, ये दो तीन बच्चे, अमित तो शायद टीचिंग करा रहा है आजकल, चला गया, और आशीष अभी बिहार में, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं जल्दी प्लेस हो जाएगा। तो ये मेरे घर पे रहते थे, तो इन बच्चों से तो एक, जैसे आप लोगों के साथ में है कोई, अगर आपके घर पे रहे तो एक अलग ही बाउंडिंग होती है। तो चेतन उनमें से एक है, और बिना किसी भी टेंशन लिए वो बस पढ़ने में ध्यान रहता था, और मेरे हिसाब से चेतन का ये फर्स्ट या सेकेंड ही अटेम्प्ट था, उसने कर लिया, कर दिखाया। तो दिल से धन्यवाद, आपने भी प्राउड फील कराया, साथ में ही इन सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने ये प्राउड फील कराया है। तो इन बच्चों के कुछ ये सब अपना ये सब मैसेज कर रखे इन्होंने, जो अलग अलग से मैंने आप लोगों को दिखाए भी, और दिखाने का पर्पज, प्राइमरी मेरा पर्पज है कि बेटा अपनी ताकत को समझिए, लग जाइए, ना डरना है, एकदम टेंशन फ्री होके बस पढ़ना है, पढ़ते जाइए और ज़्यादा कुछ सोच विचार करिए मत। आने वाला जो एग्जाम है
वो डेफिनेटली आपके लिए है और आप उसमें डेफिनेटली सफलता प्राप्त करेंगे। यही मेरी बाबा का धारणा शनिदेव प्रभु से प्रार्थना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और दिल की गहराई से बाबा केदारनाथ जी और शनिदेव प्रभु को कोटि 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 नमन प्रणाम। और आपने जो मुझे ये गिफ्ट दिया है, प्रभु शनिदेव ने आज शनिवार के दिन ही जो ये गिफ्ट प्रस्तुत किया और मुझे दिया है, मैं हमेशा की तरह, आपने पहले भी बहुत सारे एहसान मेरे ऊपर किए हैं और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि जय हो बाबा शनिदेव, जय हो प्रभु शनिदेव, जय हो बाबा केदारनाथ। धन्यवाद।